कल इस मुल्क के साबिक वजीर आजम की सेल की तस्वीर चलाई गई, ये साबित करने के लिए कि शायद इमरान खान साहब को बड़ी कोई फैसिलिटीज मिली है। 6x8 के सेल में जहाँ ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ था, उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज। क्या ये करते हैं हम अपने मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ? मोहतरम बिलावल साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी माँ शहीद माँ की गोद में जेल के बाहर अड्याला शाही थी वहाँ बैठा होता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने, नुसरत भुट्टो साहिबा हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी, और आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और उनकी बापर्दा खातून को जिस तरह टॉर्चर किया गया है। मेरा सवाल इस ऐवान के सामने है, आज हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी, जिन की वजह से सारा कुछ हो रहा है उनकी बारी कब आएगी? साबिक वजीर आजम को एक डेथ सेल के ट्रैप में बंद करके ये इमरान खान की तस्दीक नहीं की जा रही जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तस्दीक इस ऐवान की है, ये तस्दीक तमाम सियासी जमातों की है, ये तस्दीक 25 करोड़ की है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए माहौल चाहिए, ऐवान में गलाजत से भरपूर। मुल्क के साबिक वजीर आजम को डेथ सेल में रखा गया है, ये बानी पीटीआई की नहीं, इस ऐवान तमाम सियासी जमातों और 25 करोड़ आवाम की तौहीन है। कल इस मुल्क के साबिक वजीर आजम की सेल की तस्वीर चलाई गई, ये साबित करने के लिए कि शायद इमरान खान साहब को बड़ी कोई फैसिलिटीज मिली है। 6x8 के सेल में जहां ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ था, उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज। क्या ये करते हैं हम अपने मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ? मोहतरम बिलावल साहब यहाँ तशरीफ फरमाते, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी माँ शहीद माँ की गोद में जेल के बाहर अड्याला शाही थी वहाँ बैठा होता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने, नुसरत भुट्टो साहिबा हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी, और आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और उनकी बापर्दा खातून को जिस तरह टॉर्चर किया गया है। मेरा सवाल इस ऐवान के सामने है, आज हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी, जिन की वजह से सारा कुछ हो रहा है उनकी बारी कब आएगी? साबिक वजीर आजम को एक डेथ सेल के ट्रैप में बंद करके ये इमरान खान की तस्दीक नहीं की जा रही जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तस्दीक इस ऐवान की है, ये तस्दीक तमाम सियासी जमातों की है, ये तस्दीक 25 करोड़ की है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए माहौल चाहिए, ऐवान में गलाजत से भरपूर।